इधर किधर जा रहे हो? किधर? अच्छा कुछ तोड़ने जा रहे हो? क्या चीज? बेगुन। पापा जी को ना जबरदस्ती दादी बोली थी कि तू भाटा जो है ये पेड़ में उगाना, हम लोग यहीं से खाएंगे, खरीद के नहीं। पापा जी उगाए थे दादी के आने से बहुत पहले। या कितना फ्रेश दिख रहा, दिखा। चलो कालो, चलो। मम्मी आज क्या है? नवरात्रि बेटा। अनुकन्या को खिला ली? हाँ, मैं प्रसाद देके आ रही। अभी भैरव बाबा के लिए बन रहा है तो यहाँ पे डल रहा है क्या? दीदा काट रही है भाजी और इतने सारे अमरुद हम लोग खाए नहीं उस दिन। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो फटाफट मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ क्योंकि आज नवमी है, मतलब कि आज लास्ट दिन है नवरात्रि का। फटाफट पहले रेडी हो जाते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो हो चुका हूँ मैं रेडी और पूजा भी मैंने कर लिया है, लेकिन मैं अभी नाश्ता नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को फिर भूख नहीं लगेगा। चलो ठीक है, लेकिन अभी बताया टाइम कितना हो रहा है? अभी बज रहे हैं एक। नहीं, वो चावल खाएंगे ना मजा नहीं आता है। थोड़ा दूं चावल, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे उतना ही भूख नहीं लग रहा है मेरे को खाना जैसे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी जाके जस्ट मैं उठा हूँ। बाकी लोग सब जल्दी उठ गए थे, मैं थोड़ा सा लेट उठा था लगभग। बाकी लोग उठ गए थे 4-5 बजे। आज तो रील्स वाली वीडियो भी नहीं बनी और कुछ भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नींद अच्छे से पूरी हो गई। और ये कभी होता नहीं है ना, मैं कभी रेस्ट लेता नहीं हूँ अच्छे से, आज मैंने रेस्ट लिया अच्छे से तो अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद सोया मैं, एनर्जी आ गया। दीदा जी क्या कर रही? दीदा जी यहाँ से जा रहा। तो वही सब चीज चल रहा है, आज लास्ट दिन है, हर जगह का विसर्जन हो जाएगा लगभग आज के दिन। तो कब आ गया नवरात्रि, कब चला गया पता नहीं चला। एंड अभी मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है, आपको भी पता कि मेरे को शाम में एकदम ऐसा लगता है कि क्या ही बताऊँ, एकदम शाम में और सबसे सुबह जब उठता हूँ तो मेरे को खाना चाहिए अच्छा खासा भर पेट वाला। नाश्ता नाश्ते के रूप में नहीं करता मैं, लेकिन खाने के रूप में करता हूँ, नाश्ते को भी मैं मतलब भर पेट खाना चाहिए मेरे को। और अभी भी मेरे को भूख लग रहा है तेज, देखते हैं क्या सीन है, बाहर जाऊँगा या फिर घर में कुछ बनाती है देखते हैं। और अभी वहाँ से आवाज़ आ रही है उसके उस पार, मतलब कि बहुत जोरों शोरों से आवाज आ रही है ना, मतलब कि वहाँ विसर्जन हो रहा है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मेहर भाई के पास और हम अभी जाने वाले हैं बैडमिंटन खेलने। तो अभी मेहर भाई रेडी हो रहे हैं, उतना समय आपको क्या बोले, तो चलो आप मिलते हैं डायरेक्ट हॉल में। खेल के आया हूँ ना, जस्ट आया बैडमिंटन खेल के। और बाहर तो बहुत अच्छा माहौल है, आवाज नहीं आ रहा आपको, मैं थोड़ा सुनाता हूँ आपको। विसर्जन हो रहा है हर जगह का और दीदा भी सोई हुई है ना, मैं दिखाया था आपको, आवाज नहीं आएगी आपको यार, जहां तक मैं जान रहा हूँ आ रही है। थोड़ी देर पहले बहुत तेज बज रही थी, अभी थोड़ी कम हो गई है, शायद विसर्जन होने वाला है। और मैं लाया हूँ घर वालों के लिए ये चूड़ा, मक्के चूड़ा, क्योंकि घर में हम लोग यही खाते हैं, यही अच्छा लगता है क्योंकि ऑयली नहीं होता ना। और मैं अपने लाया हूँ फल्ली अलग से। और पापा कहाँ गए, क्या करने गए? नट बोल्ट, ओके। लक्ष्मी मामा दिखे थे मेरे को भी, दाबेली खा रहे थे, मतलब मैं तो नहीं खाऊंगा ऑयली चीज, खेल के आऊँ करके। नहीं नहीं भाई घूमने आए तो इसलिए चल जाएंगे ऐसा।
सो गाइस, घर वाले मेरे को इतना कोल्ड ड्रिंक भी पीने नहीं दे रहे, देख सकते हो इतना ही बचा हुआ है, पी लेना। और अभी मम्मी ने बनाया है आलू मसाला, उसमें मिर्ची डाल दी ऊपर से और हल्की हल्की मिर्ची कलर दिया है, और पराठे जो मैं हमेशा खाता हूँ, और चल रहा है पांडे स्टोर। और ऐसा हो गया ना अभी का सीन कि आज जाके फ्री हुए हैं, मतलब हर परिवार वाले, नहीं तो मेला जा रहे थे। नवरात्रि के टाइम ऐसा होता है ना कि इधर जाना उधर जाना है, लेकिन आज ऐसा हो गया कि चलो हर जगह विसर्जन हो गया, तो आज थोड़ा घर बैठे हम लोग, ऐसा थोड़ा खाली खाली लग रहा है, बाकी देख लेते हैं यार खाते खाते, है ना। खाने को वेट नहीं कराना चाहिए, खाली मम्मी डायलॉग क्या था आपका, खाने को वेट नहीं करना चाहिए। माँ एक डायलॉग मारी थी बहुत पहले मेरे को कि कभी भी खाने को वेट मत कराना, तुम्हारे लिए खाना वेट नहीं करना चाहिए, तुम खाने के लिए वेट करना चाहिए, ऐसी पुस्तक है। थैंक यू सो मच। तो खाना ना सब कम्प्लीट हो चुका है हमारा, एंड मैं थोड़ा सा टहलने आया था क्योंकि थोड़ा भरपेट खाना खा लिया ना मैंने, और अभी भी मेला जो है चालू है और 12 बजने वाले हैं लगभग, तो शायद ये 12:30-1 बजे तक बंद करते होंगे। एंड कल है दशहरा, और मैं सोच रहा हूँ कल पियर्सिंग करवाने का, करवा लूँ क्या, अच्छा दिखूँगा, क्योंकि दीदा बोल रही थी करवा ले, क्योंकि मेरे इस कान में मैंने एक बार पियर्सिंग करवाया था तो ये बंद हो चुका है, फिर मैं सोच रहा हूँ कि इस बार इस कान में करवा लेता हूँ तो अच्छा दिखेगा, है ना, देखते हैं, करवाना होगा तो कराएंगे, नहीं तो जैसे भी है कल के ब्लॉग में दिख ही जाएगा, ठीक है। एंड अभी गाइस फिलहाल मैं थोड़ा सा वॉक करके जाऊँगा डायरेक्ट सोने के लिए, क्योंकि बहुत तेज नींद आ रही है मेरे को। तो फिलहाल गाइस मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे द एंड, मिलते हैं आपसे जल्दी अगले ब्लॉग पे, क्या तो हवा आ रही है यार, तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगले ब्लॉग पे। अगर ब्लॉग सच में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलते हैं आपसे जल्दी अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा।